छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिले के मोहला गांव में हूँ। मोहला गांव में पिछले 11 साल से शराब भट्टी खुला हुआ था और ये शराब भट्टी से महिलाओं को काफ़ी परेशानी हुई। और घर में हम जो भी छोटे छोटे बाल बच्चा साथ में हम जो भोजन पानी बना और घर में हम जो भी छोटे छोटे बाल बच्चा साथ में हम जो भोजन पानी बना खात रहे वो हमारे आदमी पी खा के हमारे बिस्तर फेंक दिया, हमारे बिस्तर को आग लगा दिया, खाना गंजी फेंक दिया, आधा रात में मारना। मेरे यहाँ भी मेरे पति ना दारू पीकर बहुत कभी कभी झगड़ा लड़ाई करता था, इसलिए मैं जैसे यहाँ बच्चे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं इंडो स्कूल जाते थे तो यहाँ पर जो दारू पीकर बैठे रहते थे उन लोग ना। ये महिलाएं शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से लगातार वंचित हो रहे थे क्योंकि जिनके घर में पैसा नहीं होता था वो लोग महिलाओं से का साड़ी बेचना, चावल बेचना, धान बेचना, जबरदस्ती बड़े लोगों से कर्ज लेना, ड्रिंक के लिए पैसा मांगते थे तो जिद कर करके ले जाना कि मेरे को ये चाहिए, किसी बहाना से ले जाते थे, पर दारू पी के चले जाना वहाँ से आके मेरे को लड़ाई झगड़ा करना, बच्चों को गंदी गंदी गाली बकना, हम लोग को भी एकदम दारू पी के चले जाना वहाँ से आके मेरे को। इसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रमिला शर्मा है उनके मन में विचार आया क्योंकि उनका भी घर शराब भट्टी से लगा हुआ था। वो बार बार महिलाओं को कहने लगे कि नहीं, हम लोग यहाँ से शराब भट्टी हटाएंगे। दारू भट्टी हटाए के मुखिया मेहरो प्रमिला शर्मा और मैं लोक शक्ति समाज से संस्था के कार्यकर्ता हूँ। मैं लीडरशिप करे हूँ और 96 से लीडरशिप करत गांव में भी बहुत से गांव में दारू भट्टी जैसे घर में आदिवासी मन बनाते जैसे महुआ के वो भी बंद करवाया हूँ और गांव में भी बहुत से गांव में दारू भट्टी जैसे घर में आदिवासी मन बनाते। 29 मार्च से हम धरना में बैठे और यहाँ पर 4 दिन तक 24 घंटा रात और दिन वही खाना। 29 मार्च से हम धरना बहुत प्रयास करें तो मुश्किल से हटी लेकिन हम ब्लॉक से हटाना रही से। महिलाओं ने संगठित होकर वहां पे योजना बनाई कि इस शराब भट्टी घोटाला। मैं चाहती हूं कि जैसे मोहला गांव के महिलाएं आगे आ रहे हैं शराब भट्टी हटाने में, इसी तरह और महिलाओं को संगठित होकर आगे आने की ज़रूरत है क्योंकि आज मोहला मैं चाहती हूं कि जैसे मोहला गांव के महिलाएं आगे आ रहे हैं शराब भट्टी हटाने में इसी तरह और महिलाओं को संगठित होकर आगे आने की ज़रूरत है क्योंकि आज मोहला गाँव के महिलाएँ एक प्रेरणा स्रोत है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा है कि संगठन में ताकत।